आज हम स्विच और सॉकेट के बारे में जानेंगे। तो इसको हम स्विच कहते हैं, ठीक है। और स्विच का जो दूसरा साइड होता है उस पर स्क्रूज लगे होते हैं। तो इस पर दो स्क्रूज है, तो इसको वन वे स्विच कहते हैं, या इसका दूसरा नाम है सिंगल पोल सिंगल थ्रो स्विच। इस तरह एक दूसरा स्विच भी है, ये इसको हम टू वे स्विच कहते हैं। टू वे क्यों है? क्योंकि इसके दूसरे साइड पर तीन स्क्रू लगे हुए हैं। और इसका दूसरा नाम भी है सिंगल पोल सिंगल डबल थ्रो स्विच, सिंगल पोल डबल थ्रो स्विच। ये हमारे पास सॉकेट है। सॉकेट को अगर हम देखें तो इसका एक साइड प्लेट है और दूसरा इसका राउंड है, तो इसको प्लेट राउंड सॉकेट भी कहते हैं। प्लेट राउंड सॉकेट का फ़ायदा ये होता है कि इसमें प्लेट और राउंड दोनों टाइप के प्लग लगा सकते हैं। प्लग इसमें लगाते हैं और इसका कनेक्शन कंप्लीट होता है। अच्छा, एक सॉकेट को किस तरह बोर्ड में लगाया जाता है तो इसको आज हम देखेंगे। ये एक सॉकेट स्विच है, तो स्विच को हम एक बोर्ड में लगाते हैं। पहले स्विच का तरीक़ाकार ये है कि इसमें एक साइड पर हम फेज वायर देते हैं। लेट सपोज ये इसका फेज तार हो गया, और दूसरे साइड से हम एक बल्ब को या जो भी लोड होगा उसको एक फेज तार स्विच से लेते हैं। फिर अच्छा जी, इसको हम लगाते हैं। अब ये हमारे पास एक फेज तार जो बल्ब होल्डर का होता है वो स्विच के दूसरे साइड से लगाएंगे, ठीक है। टेस्टर की मदद से इसके स्क्रू को ढीला और इसको टाइट कर सकते हैं। अच्छा, इस बल्ब होल्डर को एक फेज तार मिला जो स्विच के ज़रिए से मिला, और एक इसको न्यूट्रल तार मिला। अब अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो इसका जो न्यूट्रल तार होता है उसको और इसका जो फेज तार होता है इसको हम मेन सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे और इस स्विच के ज़रिए इसको बल्ब को ऑन और ऑफ करेंगे। तो इसको चेक करते हैं। अच्छा, इसकी हम अब चेकिंग करते हैं कि एक स्विच से किस तरह एक लाइट को ऑन करते हैं। तो पहले हम इसके जो दो तारे हैं, एक इसका न्यूट्रल और एक इसका फेज जो स्विच बोर्ड को और बल्ब को मिला हुआ है, इसको हम पावर देते हैं। ये हमने इसको पावर दिया। जब इसको पावर मिला तो इस स्विच से हम जो है इस बल्ब को ऑन और ऑफ देखते हैं। ये स्विच से ऑन और ऑफ होता है। तो एक स्विच से किस तरह एक बल्ब को ऑन और ऑफ करते हैं कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हमने ये देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।